देव की समाजवादी नेता शह पूर्व मुखिया भरत ठाकुर के निधन पर रविवार को देव डाक बंगला में श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने भरत ठाकुर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, राजद प्रदेश महासचिव कालेश्वर यादव, सुबोध सिंह, प्रदेश सचिव मोहम्मद यूसुफ आजाद अंसारी, जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर रमेश यादव, उदय उज्जवल, सतेंद्र यादव, जिला पार्षद अनिल यादव, राजेंद्र गुप्ता, राजेश गुप्ता सहित अन्य वरीय नेताओं ने भरत ठाकुर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और कहा कि भरत ठाकुर समाजवादी नेता के रूप में अपना पहचान बनाए थे। उनके संघर्ष के दिनों का सपना कोडरमा मानिकपुर रेल लाइन बिछाने का था, जिसे पूरा करने का उन्होंने संकल्प लिया था। देव में स्मारक बनाने की भी मांग उठी। इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता और संचालन प्रखंड अध्यक्ष सविता देवी ने किया। इस सभा में प्रखंड के राजद नेता विजय पासवान, सीताराम यादव, बिरजा यादव, सरोज मेहता, ललन सोनी, सीटू चौरसिया, मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद मुनीर खान, राजदेव भगत, नीतीश कुमार, अजय यादव और राजद के जिला प्रदेश स्तर के नेता प्रतिनिधि शामिल रहे।